अरे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने जनक श्रृंखला का अंकन करना सिखाया था, जिसमें हमने नंबरिंग रूल्स 4 तक लिखा बताया था। आज हम बताएंगे नंबरिंग रूल 5, पांचवा अंकन नियम। तो बच्चों, यदि एल्कीन है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी होता है, उसे एल्कीन कहते हैं, या एल्काइन है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो एल्कीन या एल्काइन यदि है तो जनक श्रृंखला यानी पैरेंट चेन का अंकन नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से द्विबंध या त्रिबंध नजदीक होता है, निकटतम होता है। बच्चों, अब देखो, जैसे CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH3। अब देखो बच्चों, ये जनक श्रृंखला है, पैरेंट चेन है। अब इसमें कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड हैं। अब यदि हम इधर से नंबरिंग करें तो क्या होगा, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। और बच्चों, यदि इधर से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान दो बच्चों, यहां कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के पहले परमाणु को 3 नंबर मिला है, 3। यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो सी डबल बॉन्ड सी के पहले कार्बन परमाणु, फर्स्ट कार्बन एटम को 2 नंबर मिला है। तो ये इधर से नजदीक हुआ, निकटतम हुआ, इसलिए बच्चों ये वाली जो इधर से नंबरिंग इधर की गई है ये सही है, और जो इधर से नंबरिंग की गई है ये नंबरिंग गलत है। तो बच्चों, अब हम इसको हटा दे रहे हैं, नंबरिंग गलत है, सही अंक नंबरिंग जो है हमने यहां ऊपर लिखा है। अब बच्चों, हमारे जनक श्रृंखला में 5 कार्बन हैं, तो 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे, पेंट, पेंट। तो बच्चों, पेंट हो गया। अब इसमें ये डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, इसका अनुलग्न ईन है, तो पेंट हो गया। अब ये लोकेंट हो गया, पेंट 2 हाइफेन ईन, ये इस हमारे कंपाउंड का, पेंट टू ईन, इस कंपाउंड का हो गया IUPAC नाम। इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा, 5 कार्बन है तो पेंट हुआ, पेंट हो गया। ये सेकेंड कार्बन पर है तो 2, इसका अनुलग्न ईन, पेंट टू ईन। या इसको बच्चों ये भी लिख सकते हैं, या 2 को पहले लिख सकते हैं तो 2 पेंटीन, 2 पेंटीन भी कह सकते हैं, या इसे बच्चों पेंटीन 2 भी कह सकते हैं। अब आइए बच्चों, ध्यान दें, जैसे मान लीजिए, तो डबल बॉन्ड था। यदि मान लीजिए यहां पे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, यहां भी सिंगल बॉन्ड, CH2, CH2, CH3। जरा गौर से देखें बच्चों, यदि ये कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड है, इसमें 3 1 4, यहां भी बैलेंसी संतुष्ट हो रही है, 3 1 4 यहां भी हो रही है, 2 2 4, 2 2 4 और 3 1 4। तो बच्चों, यदि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन है, तो जनक श्रृंखला में तो पैरेंट चेन में 5 ही कार्बन है। अब नंबरिंग की बात आती है तो इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से ये दूर है, इधर से नंबरिंग करेंगे बच्चों, 1 2
टू थ्री फोर फाइव। तो बच्चों इसका आईपीसी नेम क्या होगा, पांच कार्बन है तो पेंट, पेंट हुआ। फिर बच्चों हाइफन लगाएंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है फर्स्ट, इसके ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो ये लोकेंट हो गया, पेंट वन लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे, ये इसका अनुलग्न है आइन, तो पेंट वन आइन, या इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, वन पहले लिखते हैं वन पेंटाइन, वन पेंटाइन। तो बच्चों ये था रूल नंबर फाइव। अब हम रूल नंबर सिक्स के बारे में विचार करेंगे। आइए देखें नंबरिंग रूल सिक्स क्या कहता है। नंबरिंग रूल सिक्स कहता है कि यदि हमारे जनक श्रृंखला में दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो, जैसे यहां पर हो गया बच्चों सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, एक डबल बॉन्ड यहां हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच, फिर यहां पे मान लो डबल बॉन्ड ले लें तो बच्चों यहां हो गया सी एच टू। अब बच्चों इसमें दो डबल बॉन्ड हो गया तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें अंकन किधर से करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड इधर से भी यहां न, इधर से भी वही स्थान पर है, तो चाहे इधर से करें या इधर से करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो इधर से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव। तो बच्चों हमारे इसमें जनक श्रृंखला में पांच कार्बन हैं तो पेंट हुआ। अब बच्चों ये डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, इससे मतलब है, इससे नहीं मतलब है, कम वाला, और यहां डबल बॉन्ड चौथे कार्बन पर है तो ये हो गया बच्चों वन कामा फोर, पेंट वन फोर, ये डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड दो ठो है तो डाई डाई इन, तो डाई इन को बच्चों डाइन यही लिख देंगे, पेंट वन फोर डाइन। अब इसी प्रकार बच्चों नंबरिंग रूल सेवन जरा देखो, यदि हमारे यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, जैसे सी एच टू या यहां थ्री ले लें सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो अब यहां पे मान लो सी मान लिया बच्चों यहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड यहां पे कर दे ट्रिपल बॉन्ड, तीन एक चार बैलेंस ही संतुष्ट हुई, यहां भी तीन यहां पे बच्चों तब यहां यह छटाना होगा, और तीन जब इधर है तो इधर एक ही रखना होगा, यहां ऐसे रखना होगा, यहां सिंगल बॉन्ड करना होगा, फिर सी अब यहां हम डबल बॉन्ड कर सकते हैं और यहां सी एच टू लिख सकते हैं बच्चों, और इसके साथ ही एच लिखते हैं तो इसकी भी बैलेंस ही संतुष्ट हो गई, चार एक दो तीन चार, इसकी भी एक दो तीन चार, सबकी संतुष्ट हो गई। बच्चों इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, इन भी है आइन भी है, ऐसी स्थिति में नंबरिंग किधर से करें, आइए जरा देखें, यदि हम इधर से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, तो बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड के पहले कार्बन को दो अंक मिल रहे हैं दो, और डबल बॉन्ड के पहले कार्बन को चार अंक, तो लोकेंट सेट क्या होगा दो कामा चार, बच्चों ये लोकेंट सेट हो गया। अब यदि हम इधर से नंबरिंग करें वन टू थ्री फोर फाइव, अब बच्चों यहां पे डबल बॉन्ड इससे भी जुड़ा है, इससे भी तो फर्स्ट कार्बन से, तो लोकेंट सेट क्या होगा वन कामा, यहां ट्रिपल बॉन्ड थर्ड कार्बन से वन कामा थ्री। अब बच्चों यदि इसको जोड़े तो चार दो छह होगा, इसको जोड़े तो चार होगा, ये छोटा सेट है, तो जब नंबरिंग रूल सेवन कहता है कि जब हमारे
यौगिक में जनक श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों हो तो अंकन उस सिरे से करना चाहिए जिधर से स्थान निर्धारण अंकों का छोटा सेट प्राप्त हो। तो बच्चों ये बड़ा सेट है, ये छोटा, तो यानी ये नंबरिंग हमारी सही, दिस इज करेक्ट, और लेकिन ये नंबरिंग रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो चलिए रॉन्ग वाले को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, जो करेक्ट नंबरिंग है उसको लिखे रहिए। अब आप देखें इसका इस कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे रखेंगे बच्चों, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, तो बच्चों यहां लिखेंगे पेंटो, 5 कार्बन है पेंटो। बच्चों यहां डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो 1 लिखेंगे और इन, पहले इन लिखा जाएगा बच्चों, क्योंकि इन की शुरुआत ई से होती है, ENE। अब बच्चों यहां थर्ड कार्बन से ये ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो यहां 3 उसके बाद आइन। बच्चों आइन को बाद में लास्ट में लिखा जाएगा क्योंकि आइन YNE है, इसकी शुरुआत Y से है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखते हुए पहले इन लिखा जाएगा और बाद में आइन। तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पेंट वन इन। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तो पेंट हो गया, 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1, इधर हाइफन इधर 1 इन, और बच्चों ये 3 पर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन। अब बच्चों नंबरिंग रूल यदि हम 8 की बात करें, इसमें ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए यहां पे CH, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड, देखिए, और यहां है C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर मान लीजिए बच्चों यहां पे है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहां पे ले लीजिए CH और डबल बॉन्ड CH2। हर जगह कार्बन की बैलेंसिंग चेक कर लेना बच्चों, 4 होनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहां पे ध्यान देखो, नंबरिंग रूल 8 क्या कहता है कि यदि यौगिक में द्विबंध और त्रिबंध हो और सिरों से, ये दो सिरे हैं, समान दूरी पर हैं, जैसे इधर से चले तो ये पहले स्थान पर है, इधर से चले तो ये पहले स्थान पर है, यदि सिरों से द्विबंध या त्रिबंध समान दूरी पर हो तो नंबरिंग किधर से करना है बच्चों, तब नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से द्विबंध निकटतम होता है, नजदीक होता है, क्योंकि द्विबंध को त्रिबंध की तुलना में सीनियर फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, ये वरिष्ठ प्रधान यहां पे क्रियात्मक समूह हुआ, सीनियर हुआ, इसलिए इस तरह से नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5। अब बच्चों इसका नाम रखना है, तो 5 कार्बन है तो पेंट हुआ बच्चों, 1 पर इन और 4 पर आइन, पेंट 1 इन, और यहां 4 कार्बन है 4 आइन। तो बच्चों ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम था, ये था नंबरिंग रूल 8 के बारे में। आगे वीडियो में हम कुछ और भी नंबरिंग रूल्स बताएंगे।